क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे आज। यदि द्विघात बहुपद है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस के शून्य के वर्गों का योग 40 है तो आपको k का मान ज्ञात करना है। ओके, यहां पे जो गिवन है वो है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स और प्लस k, और क्या दे रखा है शून्य, शून्य होते हैं आपके एल्फा और बीटा और दोनों का योग, यानी पहले इसका वर्ग करो, ये शून्य है इनके वर्ग करो, वर्गों का योग, दोनों का योग कर दिया और वर्गों का योग दे रखा है 40। एक एक स्टेप को लेके चलेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हो जाएगा। ओके, देन उसको करना है वो बिल्कुल इजी वे में हो जाएगा, देन वैसे जैसे मैं कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप एक बार करके देखना, काफी ज्यादा बेटर फील होगा और क्वेश्चन भी 100% आपका एक्यूरेसी के साथ होगा। ओके, देन आगे बढ़ते हैं, यानी गिवन एक तो ये और एक हमें ये दे रखा है, समीकरण लगाओ चाहे मत लगाओ एक ही बात है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, ये दिया है ये दिया है, तो यहां से एक चीज नोटिस करना, ये जो हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है इसका जो कंपैरिजन है वो करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर जीरो से करेंगे। देन यहां से देखो आप, यहां से जो एक्स स्क्वायर है इसके नियर बाय ये है और इससे इसकी सिमिलरिटी करेंगे ना, समानता करेंगे, तो यहां से जो a की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी और जो b की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी माइनस 8 आ जाएगी और यहां से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी k आ जाएगी। ओके, तो यहां से आप ज्ञात कर सकते हो एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और ये मेरा पहले से माइनस है और ये अंदर माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एट और ए की वैल्यू है मेरी कितनी 1, तो यहां से एल्फा प्लस बीटा है उसका मान कितना हो जाएगा बच्चा 8 हो जाएगा, और जो एल्फा गुना बीटा है वो होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है के, ए की वैल्यू है 1, यानी कि जो एल्फा बीटा है उसका मान हो जाएगा के हो जाएगा। ओके, देन आगे चलते हैं हम, आगे चलेंगे तो हमें निकालना क्या था, निकालना हमें ये था के निकालना था, ठीक है, निकालना हमें था के का मान निकालना था ना, तो यहां से देखिए के का मान निकालना है तो एक चीज आप ये ध्यान में रखना, यहां पे है एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमारे पास कितना है 40 है। ओके, तो एक चीज ये नोटिस कर लो आप, एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर में से, अगर एल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर में से अगर हम क्या घटा दे माइनस क्या घटा दे 2 एल्फा बीटा घटा दे तो हमारा जो क्या निकलता है, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो यहां से एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं, यानी एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर में से अगर ये घटा दे तो हमारा ये निकल कर आता है। यहां पर इसका जो मान है वो कितना दे रखा है 40 दे रखा है, क्या दे रखा है 40 दे रखा है, 2 एल्फा बीटा माइनस 2 एल्फा बीटा की हमने वैल्यू निकाली कितनी के, और एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली 8, ये और उसका कर दो स्क्वायर। ओके, देन हम आगे चलते हैं, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 माइनस 2 के और बराबर में कितना है 40 है। आगे चलते हैं, ये माइनस 2 के रह गया और बराबर देखो ये 40 है, यहां पर यह 64 है, प्लस का है ना, इधर जाएगा माइनस का, माइनस का 64, देन अगर हम इसको आगे करना चाहें ये माइनस को इधर भेजना चाहें तो ये हो जाएगा 64 प्लस का और ये जो 40 है वो हो जाएगा माइनस का, यहां से कितना बच जाएगा 50 60 24 बच जाएगा क्या, और यहां से 2k का मान है वो बच जाएगा हमारे पास 24, यानी कि जब k का मान निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 24/2 और बराबर k का मान है कितना आ जाएगा 12। देखो मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं, हमें एफ एक्स दिया गया था एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस के, और यहां से गिवन था कि दोनों जो शून्य हैं हमारे उनके जो वर्ग हैं उन्हीं का वर्ग किया और प्लस योग किया तो वो दे रखा है 40। यहां से हमने क्या किया, सबसे पहले इस इक्वेशन को लेकर चला और यहां से मैंने ए बी सी के मान निकाले, ए बी सी के मान निकालने के बाद मैंने एल्फा प्लस बीटा निकाला, उसके बाद एल्फा गुणा बीटा निकाला, और जो हमारा फॉर्मूला होता है वो ये होता है एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा, देन हमने जो वैल्यू है पुट की और यहां से जो के का मान है वो हमारा कितना निकला 20। ओके, तो यहाँ पे जो समझ में नहीं आई वो चीज कमेंट कर देना, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना। ओके।